नमस्कार शिक्षार्थियों, इस शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये शिक्षण सत्र शिक्षा का अधिकार क्या है और शिक्षा का अधिकार में एक प्रारंभिक शिक्षक की क्या भूमिका पर केंद्रित है, और इस सत्र की चर्चा के लिए हमारे बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ के सहायक आचार्य डॉक्टर गौरव सिंह जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इसमें क्या क्या प्राविधान हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि ये शिक्षक की भूमिका से संबंधित है। सोमू जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से चर्चा का प्रारंभ किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से इस देश में लागू हुआ, उसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। और जब ये अधिनियम बना और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान लिखे गए, तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न भागीदारों, जिसमें अध्यापक, जिसमें विद्यालय, जिसमें समाज, जिसमें ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें या अन्य प्रशासनिक संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थान, इन सब की भूमिका पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला गया। लेकिन एक प्रारंभिक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक प्रारंभिक शिक्षक से क्या अपेक्षाएं और आकांक्षाएं रखी गई हैं। शिक्षा के अधिकार को एक वास्तविक अधिकार में बदलने के लिए एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है, उससे क्या अपेक्षाएं हैं, उसको क्या करना है, यह एक शिक्षक के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इसको एक दूसरी दिशा से प्रारंभ करें, जो कि शिक्षक प्रशिक्षण का मुद्दा है, तो हम देखें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE द्वारा किया जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि अलग अलग स्थानों पर प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षक नियुक्त थे, उनकी योग्यताएं अलग अलग पाई गईं। शिक्षक प्रशिक्षण के भी जो कार्यक्रम थे, उनकी अवधियाँ अलग अलग थीं, उनके स्वरूप अलग अलग थे। उनको एक स्वरूप देने के लिए, एक रूपता देने के लिए, इस अधिनियम के आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने यह स्पष्ट किया और ये मानक जारी किए कि प्राथमिक विद्यालय पर कक्षा 1 से 5 तक का जो अध्यापक है, उसकी शैक्षिक और प्रशिक्षण की योग्यता क्या होगी। यदि वह उच्च प्राथमिक स्तर का या एक प्रारंभिक विद्यालय का अध्यापक है, तो उसकी शैक्षिक और प्रशिक्षणिक योग्यता क्या होगी, या वह एक माध्यमिक स्तर के विद्यालय का अध्यापक है तो योग्यता क्या होगी। इन सारी योग्यताओं का निर्धारण NCTE द्वारा किया गया। साथ ही इस अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई, और वह व्यवस्था शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज भी देश के प्रारंभिक विद्यालयों में बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं। वे प्रारंभिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र के भी हैं और निजी क्षेत्र के भी, परंतु जब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो इसके प्रावधान हर विद्यालय पर लागू होते हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र का विद्यालय है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र का विद्यालय है। इसीलिए यदि आप देखें, 2010 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसमें ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक कार्यरत शिक्षक इसके लागू होने के 5 वर्ष के भीतर उचित प्रशिक्षण पूर्ण कर लेगा, पर यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। 31 मार्च 2015 तक इस देश में लाखों शिक्षक ऐसे थे जो प्रशिक्षित नहीं थे। 2016-17 के जो आंकड़े सामने आए, उसमें कई जगह हमने पढ़ा है कि लगभग 11 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित रह गए, जिनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी थी, और शायद इसीलिए पुनः एक संशोधन अधिनियम 2017 में आया जी, इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, और उस संशोधन के माध्यम से एक अंतिम अवसर के रूप में प्रत्येक अप्रशिक्षित शिक्षक को उचित प्रशिक्षण पूर्ण करने का अवसर दिया गया है। तो शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर
ये अधिनियम शुरू से जागरूक था और इसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि यदि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होगा, यदि शिक्षक शिक्षण विधियों में बालकों को पहचानने में, उनकी क्षमताओं योग्यताओं का निर्धारण करने में प्रशिक्षित नहीं होगा, तो वह शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में अपना योगदान पूरी तरह से संभवतः नहीं दे पाएगा। यदि हम उत्तरदायित्वों की बात करें, ये तो प्रशिक्षण की बात हुई, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24(1) और धारा 23 की उपधारा 1 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक नियुक्त शिक्षक को कुछ उत्तरदायित्व वहन करने होंगे। उसमें उसका जो पहला उत्तरदायित्व है वह है विद्यालय आने में निरंतरता और समयबद्धता का अनुपालन, अर्थात पंक्चुअलिटी, बहुत महत्वपूर्ण, एंड कंटिन्यूअस अटेंडेंस, सतत रोज आना, क्योंकि यह एक बड़ी समस्या रही है और हमने कई जगह पढ़ा भी है। हो सकता है कि कुछ विद्यालयों में ये समस्या रही हो, जिस वजह से ये समाचार पत्रों में भी अपना स्थान बनाया कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं आते हैं, आते हैं तो समय पर नहीं आते हैं, समय पर आते हैं तो विद्यालय पहले बंद करके चले जाते हैं। कुछ जगह ये समस्या रही, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उसी दृष्टि से देखा जाने लगा, एक सामाजिक दृष्टि इस तरह की बन गई। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उससे दूर करने के लिए पहला उत्तरदायित्व शिक्षक का कहा गया कि शिक्षक निरंतर विद्यालय आएगा और समयबद्ध ढंग से आएगा। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा कुछ राज्यों में तकनीकी का इस्तेमाल करके उपस्थिति को इंश्योर करने के लिए, जी जी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस उत्तर प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा में लागू की गई और बेसिक शिक्षा के स्कूलों में भी लाए जाने की कोशिश चल रही है। जी जी, तो शायद इसी प्राविधान को और अच्छे तरीके से लागू करने के लिए ये प्रयास है। जी, साथ ही इसमें दो और उत्तरदायित्व थे, इसमें तो बहुत सारे उत्तरदायित्व, हम सभी की चर्चा करेंगे। वो विद्यालय पर समय पर आएगा, निरंतर आएगा, साथ ही एक शिक्षक से ये अपेक्षा की गई कि वह पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करेगा, पूरा करेगा और निर्धारित समय में पूरा करेगा। अर्थात किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित कार्य दिवस हैं या कार्य घंटे हैं, उनमें ही पूरा करेगा, उसको ठीक से लागू करेगा। ठीक से लागू करने का अर्थ हम यूँ समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि अध्यापक जो पुस्तकों में लिखा है केवल उसको पढ़ा देना मात्र ही शायद पाठ्यक्रम को पूरा करना समझ लेते होंगे, पर जब हम पाठ्यक्रम को पूरा करने की बात करते हैं और उसको सुचारू रूप से पूरा करना जैसे कि अधिनियम में कहा गया है, तो सुचारू रूप का मतलब पाठ्यक्रम के प्रत्येक पक्ष को पूरा करना। उसमें शैक्षणिक पक्ष भी है, उसमें सहशैक्षणिक पक्ष भी है, उसमें मूल्यों का विकास भी है, उसमें नैतिकता और चरित्र का निर्माण भी है, अर्थात जो उसके शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष हैं उन सभी पक्षों को पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। इसकी अपेक्षा भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई है। इसके साथ ही शिक्षकों से ये अपेक्षा की गई है कि वे प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यताओं का आकलन करेंगे कि एक बच्चे में क्या अधिगम योग्यताएं हैं, किस क्षेत्र में वे तेजी से अधिगम कर लेता है, किस क्षेत्र में वे अधिगम करते समय कुछ पिछड़ जाता है या उसको अधिगम करने में कुछ कठिनाई होती है, और यदि आवश्यकता होगी तो वह उसे अतिरिक्त उचित अनुदेशन प्रदान करेगा। ये एक शिक्षक का उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया गया। इसके साथ ही ये बात भी हुई कि बच्चों का विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जितनी शिक्षकों की जिम्मेदारी है उतनी ही उनके माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक अध्यापक माता पिता और अभिभावकों के साथ सतत बैठकों का आयोजन करेगा जिसमें वह बच्चों की उपस्थिति, उनकी अधिगम योग्यताएं, उनकी अधिगम में क्या प्रगति हो रही है, उसकी प्रगति, यदि कोई समस्या है तो उन समस्याओं व बच्चे से जुड़ी सभी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, जिससे माता पिता और अभिभावक शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों के विकास के लिए प्रयत्नशील हो सके। निश्चित रूप से ये जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन है, जी, उनका जो संगठन और उनका जो संचालन है फीडबैक सिस्टम के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास ही केंद्र में है। जी, अब हम यदि अन्य बिंदुओं पर बात करें तो हमें ये भी देखना है कि
एक समस्या अक्सर शिक्षकों के साथ रही है और खासतौर पर जो सरकारी तंत्र में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी शिकायत भी रही बहुत समय तक कि उनको शैक्षणिक कार्यों के लिए उचित समय नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार उनको राज्य या स्थानीय निकाय या अन्य व्यवस्थाएं गैर शैक्षणिक कार्यों में संलिप्त कर देती थीं। इसीलिए जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना और उस अधिनियम को जब लिखा गया तो उसके अनुच्छेद 27 में व्यवस्था दी गई कि कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में लिप्त नहीं होगा। केवल 3 छूट उसमें दी गई। एक तो जो देश की 10 वर्षीय जनगणना होती है उसकी छूट दी गई, दूसरा यदि वो जिस क्षेत्र में कार्यरत है उस क्षेत्र में उस राज्य में कोई आपदा आ जाती है तो उसको आपदा राहत का कार्य मानवता के नाते करना चाहिए तो उसमें छूट दी गई, और साथ ही जो चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय राज्य और केंद्र के उन चुनावों की ड्यूटी। तो जनगणना, आपदा राहत और क्षेत्रों के चुनाव, इन 3 कार्यों को छोड़कर किसी भी शिक्षक की गैर शैक्षणिक कार्यों हुए तो तैनाती अनुच्छेद 27 निषिद्ध करता है, ऐसा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में लिखा गया है। लेकिन वो एक और चीज़ निषिद्ध करता है, ये तो शिक्षकों के अधिकार की बात हुई, अगली निषिद्धि शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक अगली धारा अनुच्छेद 28 जो है वो ये कहता है कि कोई भी शिक्षक व्यक्तिगत शैक्षणिक गतिविधि या ट्यूशन में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेगा, उसका उत्तरदायित्व तो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है, वो विद्यालय में पूरा समय देकर पूरे मनोयोग से पूरे पाठ्यक्रम को उचित प्रकार पढ़ाएगा, और यदि वह ऐसा करेगा तो बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अनुच्छेद 28 स्पष्ट तौर पर शिक्षक की व्यक्तिगत शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी या ट्यूशन में खुद को शामिल करने को पूर्णतः निषिद्ध करता है। यह भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी, इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहूँगा, जो आपने कहा कि जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें शिक्षकों को जिम्मेदारी देने से निषिद्ध करने की बात आई है, कहीं ना कहीं एक चिंता ये भी होगी समुदाय की, शिक्षाविदों की, बुद्धिजीवियों की, कि हमने नामांकन तो बहुत अच्छा बढ़ा लिया, सकल नामांकन काफ़ी तेजी से 95% से ऊपर हुआ, तो क्यों ना अब हम गुणवत्ता उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल, और हमारे शिक्षक अधिकांश समय जो है स्कूल में बिताएं। बिल्कुल, और स्कूल में बिता करके पूरा ध्यान, जैसा कि आपने कहा, कि पाठ्यक्रम को सही मायने में उचित प्रकार से क्रियान्वित करने में लगाएं। तो ऐसा करना तभी संभव है जब वो विद्यालय में रहेगा, अन्य दायित्वों में उसको नहीं रखा जाएगा, तो शायद ये बहुत बड़ी वजह रही होगी। जी, साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम को यदि हम पढ़ें, और एक्चुअली शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन जब उस अधिनियम को हम पढ़ते हैं तो हम किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमारी चर्चा का केंद्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रत्येक धारा नहीं है, अभी हमारी इस चर्चा का केंद्र शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षक से क्या अपेक्षाएँ की गई हैं, केवल वह एक बिंदु है। तो यदि उस बिंदु से आप उस अधिनियम को देखें तो उस अधिनियम में लिखा गया है कि एक शिक्षक स्पष्ट तौर पर यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में और प्रारंभिक विद्यालयों में जहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है वहाँ संवैधानिक मूल्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए, संवैधानिक मूल्यों को विकसित किया जाए और संवैधानिक अपेक्षाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जाए, इसकी व्यवस्था हो। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक अध्यापक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करेगा। जैसे जब हम पाठ्यचर्या की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो पाठ्यचर्या अंतरण में केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि शैक्षणिक और सहशैक्षणिक दोनों पक्षों के विकास की बात करेगा, ताकि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक सभी प्रकार से विकास हो सके। इसी तरह से उसमें यह भी अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक बच्चे की ज्ञान, उसकी क्षमता और उसकी प्रतिभा का विकास हो, इसका प्रयास अध्यापक करेगा। अध्यापक बच्चों की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं की अधिकतम सीमा तक विकास हेतु प्रयास करेगा, साथ ही एक ऐसा परिवेश विकसित करेगा जिसको आप बाल केंद्रित परिवेश कह सकते हैं, बाल मित्रवत परिवेश कह सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट की जो बात है, तो वो एनवायरनमेंट एक क्रिएट करेगा, वो एक एनवायरनमेंट विकसित करेगा, ऐसा वातावरण परिवेश विकसित करेगा जिसमें वो क्रियाकलापों द्वारा
अन्वेषण द्वारा या खोज के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करेगा, अर्थात बाल केंद्रित वातावरण में बाल मित्रवत रूप से क्रियाकलाप, अन्वेषण और खोज के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करना, इसकी में भी शिक्षक की भूमिका है। साथ ही यदि हम देखें तो उसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा हम भाषा की दृष्टि से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी करनी महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक व्यवहारिक हो, बच्चे की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होगी, ऐसा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कहा गया है। साथ ही शिक्षक से अपेक्षा की गई है कि वह बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता से मुक्त करेगा, बालकों को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने के योग्य बनाएगा और इसमें उसकी सहायता करेगा। साथ ही एक अध्यापक बच्चों की समझने की शक्ति और उस शक्ति को उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन करेगा। जो व्यापक और सतत मूल्यांकन का पक्ष है उसको भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और व्यापक और सतत मूल्यांकन आप जानते हैं तभी सफल हो सकता है जबकि सभी शिक्षक उसको ठीक प्रकार से लागू करें। अब हम आते हैं शिक्षक से जुड़े कुछ व्यवहारिक मुद्दों पर। शिक्षकों की समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं तो अक्सर ये विषय आता है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक हैं तो कम संख्या में हैं। आज भी शिक्षक विहीन विद्यालय, एकल शिक्षक विद्यालय, ऐसी समस्याएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। और ये मुद्दे तब भी बहुत महत्वपूर्ण थे जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन रहा था। इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब बना तब उसमें यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 सुनिश्चित होना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया था कि 6 महीने का समय देकर कि 6 माह में ये पता लगाया जाए कि शिक्षक छात्र अनुपात को सही करने के लिए आवश्यक शिक्षक कितने चाहिए और उतने शिक्षकों की व्यवस्था के प्रयास किए जाएं। हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने से पहले, और हमारे प्रशिक्षु भी इस बात को जानते हैं कि जब ये अधिनियम नहीं आया था उससे पहले बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो DPEP की योजना हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान की योजना हो, या और योजनाएं जो उनसे जुड़ी योजनाएं विभिन्न राज्यों में चली, चाहे वो शिक्षा कर्मी योजना हो, शिक्षा मित्र योजना हो, ये योजनाएं इसलिए चलाई गई क्योंकि शिक्षकों की संख्या कम थी, शिक्षक छात्र अनुपात उचित नहीं था और वैकल्पिक व्यवस्थाएँ के रूप में ये की गई। लेकिन इन व्यवस्थाओं में बहुत सारे प्रश्न भी उठे, बहुत सारे विवाद भी हुए, इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 किया जाए। और उसके लिए उनके यदि आप परिशिष्टों को देखें, जो अधिनियम के अंत में परिशिष्ट जुड़े हैं, उस परिशिष्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या 60 है या उससे कम है तो कम से कम 2 शिक्षक वहाँ होने चाहिए, यदि 90 तक है तो 3 होने चाहिए, 120 तक 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा पर 5 शिक्षक होने चाहिए, और साथ ही 150 से अधिक बच्चे होने पर 5 शिक्षकों के साथ साथ 1 प्रधानाचार्य का होना भी परम आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था शिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर यह भी कहा गया कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम 1 शिक्षक हो, एक विद्यालय में उतने शिक्षक हों, कम से कम 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक हो, इसका ध्यान रखा जाए, और साथ ही विज्ञान और गणित का 1 शिक्षक होना, सामाजिक विज्ञान का 1 शिक्षक होना और भाषा शिक्षण के लिए 1 शिक्षक का होना, ये 3 क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र चुने गए और ये कहा गया कि इनके शिक्षकों का विद्यालयों में होना परम आवश्यक है जी। और ये भी कहा गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यदि बच्चों की संख्या 100 से अधिक है तो वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाचार्य के साथ साथ कुछ अंशकालिक शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन उनके विषय क्षेत्र स्पष्ट किए गए, जैसे कला शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए और कार्य शिक्षा के लिए। एक और चीज जो महत्वपूर्ण है जिस पर बात की गई है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, वह था कार्य दिवसों की संख्या। एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कम से कम 1 शिक्षक को 200 कार्य दिवस सुनिश्चित करने चाहिए। साथ ही यदि वह उच्च प्राथमिक विद्यालय है, प्रारंभिक विद्यालय है, 6 से 8 तक की कक्षाएं भी वहां चलती हैं तो उसमें 220 कार्य दिवस सुनिश्चित होने चाहिए। और केवल कार्य दिवस ही नहीं, कार्य घंटों की बात भी की गई है कि 1 से 5 तक के लिए 800 शिक्षण घंटे और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1000 शिक्षण घंटे 1 वर्ष में 1 विद्यालय में होने चाहिए।
और एक शिक्षक प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे बिताएगा जिसमें उसके तैयारी के घंटे शामिल हैं। और इसके साथ साथ प्रत्येक कक्षा में खेल सामग्री, क्रीड़ा उपकरण ये भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यदि हम देखें इस तरह से तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की तैनाती, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षकों के उत्तरदायित्व, शिक्षकों को दी जाने वाली जिम्मेदारियां और जो जिम्मेदारियां शिक्षकों को नहीं दी जा सकती, और साथ ही शिक्षकों के कर्तव्यों पर बहुत विस्तार से बात की गई है। जी, आपने काफ़ी विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रारंभिक शिक्षकों के लिए क्या कहता है, उनकी भूमिका को किस तरीके से उसमें उल्लिखित किया गया है। और निश्चित रूप से हमारे शिक्षार्थी जब इसका अध्ययन व अनुशीलन करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम को, तो आपकी चर्चा में आए हुए बिंदुओं का स्मरण उनको होगा। और मैं इसमें एक और बिंदु जोड़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि चर्चा समाप्त करने से पहले एक और पक्ष हमें स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में समावेशन को बहुत महत्व दिया गया, इंक्लूजन को बहुत महत्व दिया गया, और यदि हम जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले भाग में ही जहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं वहीं पर यदि आप देखें वंचित वर्गों के बच्चों की जो परिभाषा दी गई है तो उसको विस्तृत करके, उसको बड़ा करके जो दिव्यांग बच्चे हैं विभिन्न क्षेत्रों के उनको भी उसमें सम्मिलित किया गया है। और साथ ही जब हम प्रावधानों की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी बच्चे की अशक्तता को आधार बनाकर उसे प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है, आपको उसे विद्यालय में प्रवेश देना ही होगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, वह है वंचित वर्गों के बच्चों को जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ 25% स्थानों पर निशुल्क प्रवेश के अवसर प्रदान करना। जब से ये अधिनियम लागू हुआ है हमने देखा है तमाम राज्यों में इस प्रावधान पर बहुत विवाद भी हुए हैं, किंतु फिर भी राज्य सरकारों ने यदि प्रयास किए हैं तो ये प्रावधान बहुत प्रभावी ढंग से लागू भी हुआ है, और इसलिए आज इस देश के प्रत्येक निजी विद्यालय को जो कि मान्यता प्राप्त विद्यालय है, जो सरकार से जिसको मान्यता मिली है, और अब तो केवल मान्यता प्राप्त विद्यालय ही चल सकते हैं, अधिनियम में ये भी स्पष्ट है कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है उसको या तो मानक पूरे करके मान्यता प्राप्त करनी होगी या वो विद्यालय बंद कर दिया जाएगा। तो उन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ पर प्रथम कक्षा में जो 25% स्थानों पर प्रवेश होता है उन प्रवेशों उन स्थानों पर केवल वंचित वर्गों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा, वो प्रवेश निःशुल्क होगा, और इस शुल्क की प्रतिपूर्ति जो भी स्थानीय निकाय राज्य सरकार या केंद्र सरकार है वो इसको करेगी। तो इस तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हम देखें शिक्षक की भूमिका बच्चों के प्रवेश से लेकर बच्चों की योग्यताओं की पहचानने तक, अपने प्रशिक्षण तक, अपने कर्तव्यों के निर्वाह तक, पाठ्यक्रम को पूरी तरह से लागू करने तक काफ़ी विस्तार से लगभग प्रत्येक पक्ष पर इस अधिनियम में चर्चा की गई है। निश्चित रूप से ये एक विस्तृत दिशा निर्देशिका है जिसमें शिक्षकों को क्लियर कट तरीके से समझाया गया, बताया गया कि आपको क्या भूमिका अदा करनी है। डॉक्टर गौरव सिंह जी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर और शिक्षक की उसमें भूमिका किस तरीके से रेखांकित की गई है बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे शिक्षार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।